जे आकृति, आप सबका चहीता प्यारा दुलारा, the one who makes you smile, जिसके वीडियोस को देखे बिना आपका एक दिन भी नहीं गुजरता, and is definitely spreading a lot of happiness and positivity, none other than Siddhant Sarfare. Give it up for him. अच्छा सिद्धांत, सबसे पहले मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ कि तुम कहाँ से हो, born and brought up where, और तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है. मैं हूँ भांडुप से. मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, डैडी नहीं रहे, तो ये है मेरी स्मॉल फैमिली. और व्हेन डिड ही पास अवे? मैं बहुत छोटा था, मतलब थर्ड स्टैंडर्ड में था. थर्ड स्टैंडर्ड? यस यस. उसके बाद से फैमिली की पूरी जिम्मेदारी किसने? मम्मी ने उठाई. मम्मी ने उठाई. मम्मी क्या करती है? मम्मी अभी तो हाउसवाइफ है. हाँ. पहले सच बोलू तो मतलब दूसरे के घर में काम करना, मतलब बर्तन बोछना ये सब करती थी. उसको हैट्स ऑफ कि उसने हम लोग को बड़ा किया, जो चाहिए था सब कुछ दे दिया. राइट. तो मेरी सिस्टर ने भी, मतलब मेरी सिस्टर स्कूल के बाद काम करती थी, जॉब करती थी. सब लोगों ने मिलके, पूरी परिवार ने मिलके बीड़ा उठाया. हाँ, धीरे धीरे मेरे को समझ में आ गया कि पढ़ने लिखने में मन लगता था. नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. कहाँ तक पढ़ाई की? मैं 12th पास हूँ. हाँ, यस यस. मैं एक किस्सा बताता हूँ. मतलब मैं 10th पास हुआ, मैं, मेरे को बिलीव नहीं हुआ. मेरी सिस्टर मेरे को बोल रही तू पास हो गया, हट कुछ भी. कुछ भी बोलते कि हाँ 42% मिले. हाँ. तो मैं रिजल्ट देख ही नहीं रहा था. मतलब मेरी सिस्टर बोल रही पास. हाँ, मैं फेल हूँ. मैं खुद बोल दिया क्योंकि मेरे को मालूम मैं क्या लिख के आया हूँ. मतलब मैं क्वेश्चन को ही आंसर में लिख रहा हूँ. मुझे बिल्कुल मन नहीं था कि मैं कॉलेज करूं, बट मेरे घर वाले बोले कि क्यों था, तुम्हें स्ट्रेस नहीं हो रहा था कि अगर कॉलेज नहीं करूंगा अच्छी नौकरी कैसे होगी? तो थोड़ा प्रेशर दिया था, मतलब तू 12th तक तो कर. तो मैंने बोला कि चलो कर लेते. फिर कॉलेज में मैं जाता ही नहीं था, बंक पे बंक. अभी मेरे मैम लोग देखते रहेंगे, उनको तो मालूम ही है. तो मैं कॉलेज, मेरे को मतलब पढ़ाई इतना पसंद नहीं था. मैं बहुत, मतलब प्रॉपर मराठी में बोलते तो ढ, तो ऐसा था. मेरे को स्केचिंग करने का, मतलब स्केचिंग करना पसंद था. तो मॉल में जाके ऐसा बैठ के स्केचिंग करो, नहीं तो कुछ मूवी देखो. तो मेरे को डायरेक्शन करना पहले से बहुत पसंद था. मतलब मेरे को डायरेक्ट करना है, एक्टिंग करना है. तो घर वालों को नहीं पता था वो. तो वो धीरे धीरे मैंने, मतलब बताने लगे कि मेरे को ये सब पसंद है. तो 12th भी पास हो गया. 12th पास हो गया, वो घर वाले तो बोले अभी तू ग्रेजुएशन कर ही ले. तो मैं बोला नहीं नहीं ये पॉसिबल नहीं है. मैं बोला कि मेरे को एनिमेशन कोर्स करना है. तो बोले कि ये क्या होता है, घर वालों को नहीं मालूम. हाँ, तो उसमें बहुत पैसा भी लगता है. ओके. मैं अभी 3D कैरेक्टर एनिमेटर भी हूँ, एडिटर भी हूँ. तो अभी तो फिलहाल नहीं काम कर पाता क्योंकि अभी इसमें पूरा बिजी हो गया हूँ. उधर ही मैक पवई में मेरे को एक दोस्त मिला, मेरा संतोष करके. तो वो मिला मेरे को, मुझे बोला कि आप थिएटर करते हो ना? बोला हाँ. आप वाइन बनाते हो? बोला ये क्या पूछ रहे हैं. बोला कि मैं बनाता नहीं, सिर्फ पीता हूँ. तो बोलते ओ वो वाला वाइन नहीं, वाइन्स वाइन्स वीडियो. बोला कि नहीं मालूम मेरे को ये क्या होता है. तो उसने मेरे को दिखाया कि ये देख, बीबी के वाइन्स बताया. बोला हाँ हाँ पता है, मैं देखता हूँ. हाँ वैसे टाइप का, पर वो उसने इंटरनेशनल क्रिएटर दिखाया है, एडम अनवर किंग बैच. बोला कि मैं ऐसे देखा, बोले 6-6 सेकेंड में 10 सेकेंड में कॉमेडी वीडियो कर रहे हैं. और मेरे को मजा आया वो देख के. हाँ. तो उधर से मेरा जर्नी चालू हुआ. हाँ. बोला कि चलो अपन भी करते हैं. तो पहला थोड़ा डिफिकल्ट पड़ा, मतलब कैसे एक थॉट भी आया तो कैसे उसको प्रेजेंट करें. तो धीरे धीरे थोड़ा वक्त लगा उसको, बट आज जो हूँ वो. यस. कट टू एक फैमिली, तो तुम जहाँ थोड़ा स्ट्रेस्ड माहौल रहता है बिकॉज ऑब्वियसली लूजिंग फादर एंड द मदर मैनेजिंग एवरीथिंग, तो वहाँ पर जब कोई भी बच्चा ये करता है, वैसे तो कोई भी बच्चा भारत देश में आज के डेट में, अब तो खैर फिर भी चीज़ें बदल गई हैं फ्रॉम पास्ट 2 ईयर्स, जब डिजिटल करना, अभी यू नो पेरेंट्स खुद ही अपने छोटे छोटे बच्चों का इंस्टाग्राम अकाउंट खोल देते हैं, तो खैर टाइम फिर भी बदल गया. लेकिन इस सिनेरियो में स्टेबल इनकम लाइफ की सबसे बड़ी नीड उस टाइम पे जब तुम ये सब करने की कोशिश कर रहे थे, तो तुम्हारी मॉम और तुम्हारी सिस्टर्स का क्या रिएक्शन था? वो उन्होंने क्या बोला तुमको? उन्होंने बोला कि तू कभी शांत होएगा कि नहीं होएगा, कि तू साल कुछ नया लेकर आ जाएगा? मतलब घर वालों को तो नहीं मालूम था, जब थिएटर जाता था वो पता था, मतलब कि हाँ
करने दो, चलो अच्छा लग रहा है उसको, करने दो, करने देते हैं। तो मैं थिएटर करता था, पर ज़्यादा नहीं कर पाया मैं थिएटर, क्योंकि मेरा एनिमेशन का चालू था, मैं फ्रीलैंसिंग का वर्क कर, मैं मेरा इनकम सोर्स वही था, फ्रीलैंसिंग करता था मैं, तो जो भी आता था वो फिक्स इनकम नहीं था मेरा, आया तो आया नहीं तो नहीं आया। तो मैं मतलब जब भी मेरे को खाली टाइम मिलता था तो मैं थोड़ा सोच के, मतलब कुछ थॉट आया तो शूट करता था, घर में भी शूट करता, पहले मैं घर में ही शूट करता था, चार दीवार के अंदर, हाँ, तो इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे पोस्ट करता था मैं। तो घर वालों को लगता था कि ये क्या कर रहा है, कर क्या रहा है, क्योंकि घर में चिल्ला रहा है, मतलब ओढ़नी पहन के कुछ कर रहा है, क्या कर सब, थिएटर तक ठीक था, अभी ये क्या कर रहा है, तो उनको नहीं पता था। तो मैंने सिस्टर को बताया कि ऐसा ऐसा होता है, मैं कॉमेडी वीडियोस बनाता हूँ, सिंपल वर्ड, तो बोले कि अच्छा उससे होगा क्या, मजा आता है मेरे को इसलिए बनाता हूँ, मतलब कुछ घर पे ऐसा नहीं था कि ये सब मत कर, ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो मैं करता था करता था, पर फिर आगे जाके इनकम का क्या, मैं ज्यादा उस पर ही ध्यान देने लगा, बहुत बहुत सीन हुए कि कुछ करता नहीं है, कुछ करता नहीं है, अभी दोनों की शादी हो जाएगी तू कैसे घर संभालेगा। तो मैं थोड़ा डिप्रेशन में, डिप्रेशन मतलब थोड़ा, मतलब यार ये अभी, हाँ मेरे को जॉब तो पसंद नहीं है, तो बोले कि क्या करूँ, जॉब तो करना पड़ेगा, फिर मैं जॉब करने लगा। तो थोड़ा मेरा ब्रेक हो गया था बीच में, तो 2-3 महीने का, फिर मेरे को नहीं रहा तो मैं घर में सीधा बोल दिया कि मेरे को 1 साल दे दो, प्लीज 1 साल दे दो, अगर कुछ होता है तो ठीक, अगर नहीं होता है तो मैं जॉब करूंगा, जो भी है जो पढ़ाऊं एनिमेशन और ये सब उसमें लगा रहूंगा। तो तुमने जो 1 साल लिया, उस समय तुम्हारे साथ कौन कौन था, तुम्हारी तैयारी क्या क्या थी, और क्या तुम उस समय डेड श्योर हो गए थे कि यही मेरे सोर्स ऑफ इनकम बनेगा ही बनेगा, हाउ कॉन्फिडेंट वर यू? एग्जैक्ट फील बोलता हूँ कि मैं ऐसा गुस्से गुस्से में बोल दिया, फिर तो झगड़े में ही हुआ था वो जो कुछ हुआ था, तो मैं बोल रहे कि 1 साल दे दो, तो उसके बाद थोड़ी देर बैठा, बोला ज़्यादा ही बोल दिया लगता है ऐसा हो गया मेरे को। फिर घर वालों ने बोला ठीक है चल, अभी टाइम दिया है 1 साल, वो भी मेरे को कम लग रहा था, तो मैं करने लगा, डेली एक एक वीडियो डालने लगा मैं डेली, मतलब कौन कोई गाइड कर रहा था अपने आप? नहीं नहीं, मैं खुद ही करता था, मतलब कोई थॉट आया तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करूँ, उसको कैसे, तो वो करके मैं हर रोज एक 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 वीडियो डालता था, मतलब ऐसा नहीं, गैप भी नहीं। फिर आ गया लॉकडाउन, कोविड का टाइम चालू हो गया, फिर और ज़्यादा गंभीर परिस्थिति हो गई, बोले कि अरे यार अभी तो मेरे को कुछ तो करना ही पड़ेगा, घर चलाना है, तो मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा था तभी, और साइड बाय साइड ये भी वीडियोस भी बनाता था, बनाता तो मेरे 2-3 वीडियोस वायरल गए थे, तो मेरे जो ग्रुप वाले हैं वो नील करण, तो इन लोग ने मेरे वीडियोस देखे थे, फिर हम लोग ने बात किया था इंस्टाग्राम पे, सोचे कि कोलैब करते हैं साथ में, मज़ा आया तेरा काम देख के, साथ में काम करने में मज़ा आएगा। नील का 100K हुआ था तब, तो सब क्रिएटर थे, बोला कि यार इतने सारे क्रिएटर है जो कर रहे, हम लोग ने कोलैबोरेशन चालू किया, फिर करते गए, और जो मतलब लॉकडाउन में ऐसा हुआ कि सब घर में बैठे थे, वर्क फ्रॉम होम था, तो हम लोग ने उसका मतलब वो दिमाग में रखा कि अभी लोगों को पकड़ना है, क्योंकि लोग अभी ज़्यादा प्रेशर में है, कोविड का सिचुएशन है, तो लोगों को कैसे खुश रख सकते हैं, तो लोगों को कौन से टाइप के कंटेंट अभी पसंद आएंगे घर में बैठ के, तो वो हम लोग ने कैच करके फिर उसके ऊपर वर्क करना चालू किया, फिर बनाते गए, और ऑडियंस ने बहुत रिस्पॉन्स दिया, मतलब पब्लिक ने इतना रिस्पॉन्स दिया ना कि मतलब लोकल पब्लिक से लेके सब कि अरे तुम लोग क्या कर रहे हो। फिर धीरे धीरे मेरा ग्रोथ होने लगा कि हाँ लोग पहचानने लगे कि सिद्धांत सरफरे नाम का एक बंदा है जो कॉमेडी वीडियोस बनाता है, जो वाइंस बनाता है। फिर 100K के बाद मुझे फर्स्ट कोलैबोरेशन मिला, मुझे लगा मुझे तभी मिले थे 40,000। फिर उसके बाद मैं ब्रांड कोलैबोरेशन चालू किया कि हाँ मैं अभी इतना 30-second रील का इतना लेता हूँ, ये है मेरा है, तुम लोग को ये कंटेंट मैं दे दूँगा। जितने भी अभी मैंने ब्रांड्स किए छोटे हो बड़े हो, वो खुश है मेरे साथ काम करके। तो वो टाइम मेरे लिए बहुत नया नया था कि ब्रांड्स आना, पैसा आना, ये तो मेरे लिए ऐसा था कि तभी ऐसा था कि जितना मैं पैसा बोल रहा हूँ वो मेरे को ही डाइजेस्ट नहीं होता था कि मैं इतना वो अच्छी बात बोली, आई नो दिस फीलिंग, तो मुझे ये पता है। हाँ तो मैं बोला कि
इतना बोलने का है तो फिर भी हाँ इतना लेता हूँ। अकाउंट्स खोल लिए, पैसे पूरे पड़ रहे हैं अकाउंट में भरने के लिए। मोबाइल हैवी हो गया था। ये अभी जिंदगी कैसे कैसे बदली है, घर से लेकर परिवार से लेकर बाहर तक क्या क्या बदला, मतलब सपने जैसा क्या? तेरे मम्मी ने, आई बोलता हूँ मैं, आई ने कभी फेस नहीं किया था कि वीडियोस पहचानते हैं। मतलब मम्मी को भी बोलते थे कि आपका लड़का क्या मस्त काम करता है, तो उसको मालूम था कि लोग जानते हैं इसको। फिर कुछ नहीं, उसको अंदर से बहुत खुशी होती थी, मतलब खुशी हो रही थी तभी। बॉडीगार्ड थे, सब सब जान रहे थे मेरे को, तो वो उसको मन ही मन चालू था कि कुछ तो मतलब बड़ा ही कर रही है। तभी उसने उसको लगा ऐसा, घर में जाके बोली तू ऐसे सही जा रहा है जो भी है, मतलब जो अगर मेरे को ऐसा बोलते थे कुछ नहीं कर पाएगा, अगर वो लोग नहीं रहते तो मैं ज्यादा सोचता ही नहीं। तो वो बात है। नहीं, अच्छी बात तुम्हारी पर्सनालिटी की ये है ना कि जब तुम्हें जो मैंने तुम्हारी स्टोरी सुनी, जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि व्हेन आपकी जिंदगी का बचपन जब बहुत टफ टाइम से गुजर होता है, तब आपके पास दो रास्ते होते हैं, ठीक है, या पीपल चूज, या तो आप ये कहते हो कि अरे मेरा बचपन खराब है, या खराब से मेरे कहने का मतलब टफ है, ठीक है, टफ है, देयर इज अ टफ सिचुएशन, मेरे को किसी पे विश्वास नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं अपना फलारा करूंगा, मैं शराब पीऊंगा, मैं आवारागर्दी करूंगा, रोडों पे घूमूंगा, जो मर्जी आएगा मैं करूंगा, बिकॉज मुझे जिंदगी से गुस्सा है। सो इस पूरी पूरी जर्नी में कोई एक ऐसा मोमेंट था जब तुम्हें लगा कि सब कुछ करने के बाद भी, मतलब यू नो, फेमस हो गए, सक्सेसफुल हो गए, पैसा आने लग गया, लेकिन उसके बावजूद कभी कोई मौका आया जब ऐसा लगा कि ये कब तक और कहाँ तक वाला स्ट्रेस? स्ट्रेस तो है, मतलब कैसा बोल सकते हैं कि अभी, पहले कैसा था कि मैं कुछ सोचता नहीं था, डार्क कॉमेडी, मतलब ऑफेंड हो सकती है, नहीं हो सकती है, तो मैं पहला नहीं सोचता था, जो भी है बना दो डाल दो। अभी कैसे कि अभी बहुत सारे लोग जानते हैं, पहचानते हैं, इतने लोग मेरे को देखते हैं डेली, तो मेरे को सोच समझ के डालना पड़ता है। फिल्म्स तो ऑब्वियसली करने हैं मेरे को, हाँ, वो तो फर्स्ट प्रायोरिटी है। ओके, सो वेयर्स द पेपर? चलो तुम्हारे साथ एक फटाफट राउंड मारते हैं। रेडी? यस। तुम्हें याद है वो दिन कौन सा था जब तुमने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था? 2011-12 ऐसा कुछ। हाँ। किस तरह के रील्स देख के तुम्हें चिढ़ होती है? लिप सिंग। और डांसिंग रील्स देखते हो बंदे? हाँ, हाँ, बंदों के जो डांस। हाँ, हाँ, बंदे। व्हाट काइंड ऑफ रील्स यू एंजॉय एज अ क्रिएटर? रिलेटेबल वीडियोस, फनी और डांस। ओके, हाउ डिड यू प्लान टू, ये जो तुमने कैरेक्टर्स डेवलप किए, ये सब तुम्हारी जिंदगी के कहीं कहीं कोई ना कोई हिस्से से लोग हैं, या फिर तुम्हारे ख्याली पुलाव? नहीं नहीं नहीं, मेरे जो भी है, जो मैंने देखा हुआ है, ऑब्जर्व किया हुआ है, वही है जो मैं अभी भी, जो भी मैं मतलब रील्स पे डालता हूँ कंटेंट, वो सब ऑब्जर्वेशन है। तुम्हारे स्टाइल ऑफ वॉइस, स्टाइल के मॉड्यूलेशन का एक पैरोडी हो जाए, लाइक एक आवाज, दो आवाज, तीसरी आवाज, चौथी, पांचवी, जितनी भी है, मतलब मेरे आवाज की मॉड्यूलेशंस क्या बोलते हैं? काय बोलतीस? काय हो, काय म्हणता? और क्या है, मेरे को ये भी पसंद है, मैं ट्राई करता हूँ। हाँ, मतलब किसी की आवाज निकालना, तो नाना भाटेकर। हाँ। ये देख साले, ये देख क्या है ये, एक लाठी को तोड़ना बहुत मुश्किल है, मैंने बचपन में पढ़ा था स्कूल में तीसरे में, मैं क्यों समझा रहा हूँ तुमको, क्यों समझा रहा हूँ, पागल हूँ मैं, भूसा पड़ा है मेरे दिमाग में, अच्छा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यस, कौन सा गाना तुम्हारा फेवरेट है? कवाली, कवाली, भर दे झोली। अरे क्या, भर दे झोली मेरा फेवरेट है। फिर अभी गली बॉय का ट्रेन सॉन्ग, ये दो मेरे बहुत फेवरेट है। बट वैसे लाइफ के लिए क्या बोलना चाहते हो? अभी तो इंस्टाग्राम का बाढ़ मचा हुआ है, सबको क्रिएटर्स बनना है, लोग अपने बच्चों को, पैदा हुए बच्चों को क्रिएटर्स बनाना है। सो तुम्हारी सीख क्या है इस पूरी जर्नी में, जो इस दुनिया में कुछ फिगर आउट करना चाहते हो? तो मैं उनको एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि जो कुछ भी कर रहे हो करते रहो, कंसिस्टेंसी रखो, और खुद पे बिलीव करो, अपने काम पे बिलीव करो,
और करते रहो बस, एक ना एक दिन वो चिंगारी आएगी और पूरा जला देगी सबको. यस 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 सो सो लवली टॉकिंग टू यू सिद्धार्थ. यस यस यस.